हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है कि द सोर्स रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी व्हाट। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका सोर्स रेसिस्टेंस यानी कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है। ओके, साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये कहता है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज व्हाट, यानी कि जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो एक क्वेश्चन में पूछता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में और दूसरे में आइडियल करंट सोर्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ। ओके, तो यहां देखिए, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स जिसमें कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस RS ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जबकि इन केस ऑफ करंट सोर्स जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। ओके, इन वोल्टेज सोर्स सीरीज में और करंट सोर्स के केस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। नाउ देखते हैं अब कि यदि यह वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स हो तो क्या होगा। तो इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर हम कहें सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स विल बी जीरो। जीरो है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर यह होगा शॉर्ट सर्क्यूट। ओके, तो हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सोर्स वोल्टेज Vs एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज शॉर्ट सर्क्यूटेड बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू 0 ओम। ओके, तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके, लेकिन यदि हम आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है या फिर हम कहें सोर्स रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनफाइनाइट, और रेसिस्टेंस का इनफाइनाइट होना रिप्रेजेंट करता है ओपन सर्क्यूट। ओके, तो हम आइडियल करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सोर्स करंट IS और जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा RS इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट इज ओपन सर्क्यूट, यानी कि ये रहा हमारा फाइनली आइडियल करंट सोर्स। नाउ अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर और आमीटर के बारे में। जब आप मेजरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, जिसे हम लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब आपको करंट मेजर करना होता है तो आप यूज़ करते हो आमीटर, जिसे हम लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं वोल्ट मीटर और आमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, तो ये रहा प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RV पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लेकिन यदि हम बात करें आइडियल वोल्ट मीटर की तो इन केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट, यानी कि आप आइडियल वोल्ट मीटर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर RV कनेक्टेड होता है जो कि इनफाइनाइट है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज ओपन सर्क्यूट। सो दिस इज द सर्क्यूट ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। देखते हैं अब आइडियल आमीटर के बारे में। आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस RA शुड बी 0। दिस इज आइडियल आमीटर। ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर RA इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज शॉर्ट सर्क्यूट। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक तो वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, तीसरा वोल्ट मीटर और चौथा आमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा था
कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के सोर्स रेसिस्टेंस के बारे में बताइए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेसिस्टेंस क्या होता है? 0 ओम। ओके, और 52 में कहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, तो करंट सोर्स के केस में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है कि डिटरमिन द थेवेनिन्स वोल्टेज इन वोल्ट एंड थेवेनिन रेसिस्टेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट। यानी कि यहाँ जो 6 ओम का रेसिस्टर गिवन है, ये इसके अक्रॉस आप VTH फाइंड आउट करिए एंड RTH फाइंड आउट करिए। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में VTH और RTH दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ऑप्शंस को रीड कर लीजिए। जब आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो चारों ऑप्शंस में VTH की वैल्यू डिफरेंट है और साथ ही RTH की भी वैल्यू डिफरेंट है। तो यदि हम VTH और RTH में किसी एक को भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें ऑप्शंस का पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और हम उसे मार्क कर सकते हैं। VTH और RTH में सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना RTH। ओके, तो सबसे पहले हम RTH को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जिस रेसिस्टर के अक्रॉस बोला गया है उस रेसिस्टर को हम रिमूव करेंगे। ओके, जब हम इस 6 ओम के रेसिस्टर को रिमूव करेंगे तो हमारा सर्क्यूट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, यहाँ पर अब दो टर्मिनल बन चुके हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। क्वेश्चन में जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस RTH फाइंड आउट करना है और इसी दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें VTH भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम RTH फाइंड आउट करने वाले हैं, तो देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उसे हम शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे और यदि कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो तो उसे हम ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 40 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है तो इसे हम शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे लाइक दिस, एंड ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, या 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो शॉर्ट सर्क्यूटेड। ओके, तो हमारा सर्क्यूट कुछ इस तरीके से बना जिसमें कि 8 ओम और 4 ओम ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, यानी ये हो जाएगा 12 ओम और यह 12 ओम 2 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो कितना हो जाएगा 12 × 2 डिवाइडेड बाय 12 + 2 यानी कि 14। तो इसका कितना आंसर होगा? ये हो जाएगा 1.714 ओम। ओके, ये हुआ इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ हुआ 1.714 ओम। ओके, देखिए अब इस साइड, यहाँ पर जब 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो इसकी वजह से यह रेसिस्टेंस भी शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें RTH मिला अक्रॉस टर्मिनल ए बी वो कितना होगा? 1.714 ओम। ओके, यहाँ से जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें कि RTH की वैल्यू 1.71 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। यहाँ पर नो नीड टू कैलकुलेट VTH, लेकिन फिर भी यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर VTH भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। सपोज दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। यहाँ पर हम VTH की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से एज्यूम किए हैं, लेकिन यदि आप चाहो तो इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो कि दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोलैरिटी चूज करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ देखिए, इसके लिए हम इस लूप में KVL यूज करेंगे। दिस इज लूप नंबर 1। सपोज इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है, जो करंट यहाँ पर I है
वही करंट यहाँ भी आई होगा और वही करंट यहाँ भी आई ही होगा, क्योंकि जब आप थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करते हो, दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज और यहाँ पर टर्मिनल ए बी ओपन सर्किट होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, दिस इज जीरो एम्पीयर करंट। ओके, तो जितना करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा वही करंट इधर भी फ्लो करेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो केवीएल इक्वेशन लिखेंगे वो होगा 40 इज इक्वल टू 4i प्लस 8i प्लस 2i माइनस 10। ओके, यहां से जब आप करंट i को फाइंड करोगे तो i विल बी इक्वल टू 2.143 एम्पीयर। तो देखते हैं इस ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 4.286 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस 10 वोल्ट। नाउ देखिए अब टर्मिनल बी को, टर्मिनल बी का वोल्टेज वही होगा जो इस नोड पर का वोल्टेज होगा और जो इस नोड पर का वोल्टेज होगा। ये जो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से इस नोड पर का वोल्टेज होगा 20 वोल्ट और इस नोड पर का भी वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। यानी कि हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 वोल्ट। नाउ VTS फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर अब एक KVL इक्वेशन लिखेंगे। VTS विल बी इक्वल टू 4.286 प्लस 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट। यानी कि जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा माइनस 5.714 वोल्ट। ओके, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है VTS की जो ओरिजिनल पोलारिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, यानी कि VTS ऐसा होगा। यदि आप स्टार्टिंग में ही ये पोलारिटी मान के चले होते तो आपको आंसर पॉजिटिव वैल्यू में ही मिलता, यानी कि आपको आंसर मिलता पॉजिटिव में 5.714 वोल्ट। ओके, लेकिन जो पोलारिटी मैंने अज्यूम किया था उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 5.714 वोल्ट, यानी कि ये आपको ऑप्शन ए की तरफ ले जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। ये कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेसिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी फॉर द गिवन सर्क्यूट। तो यहाँ देखिए इस सर्क्यूट में दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। क्वेश्चन में कहता है कि टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस आप नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, यानी कि आर एन इज इक्वल टू वॉट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में मैं बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ओके, फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें कहा है नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मौजूद हैं उसे आप करोगे शॉर्ट सर्क्यूट। ओके, और जो यहाँ पर करंट सोर्स मौजूद हैं उसे आप करोगे ओपन सर्क्यूट। ये जो करंट सोर्स है 2 एम्पीयर का, इसे हम करेंगे ओपन सर्क्यूट, और ये जो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है इसे हम करेंगे शॉर्ट सर्क्यूट। तो ये है हमारा नेटवर्क। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ओम, 6 ओम एंड दिस 10 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 26 ओम। ओके, और यह जो 8 ओम का रेजिस्टर है ये 26 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा 26 × 8 डिवाइडेड बाय 26 + 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.117 ओम, और यही तो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या फिर आप इसे कह सकते हो कि नॉर्टन रेसिस्टेंस, या फिर आप इसे थेवेनिन रेसिस्टेंस भी कह सकते हो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6.11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, ओके, फॉर द सर्क्यूट गिवन बिलो। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लोड गिवन हो सर्क्यूट में जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है, उस लोड को सबसे पहले आप रिमूव करोगे। जब आप इस लोड को इस सर्किट से रिमूव करोगे तो आपको यहाँ पर दो टर्मिनल बनता हुआ नजर आएगा, और आप इसे मान लीजिए कि दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी, ओके। और इसके बाद जो आप स्टेप फॉलो करोगे वो ये है कि आप इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सर्क्यूट को थेवेनिन्स मॉडल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि लोड को रिमूव करने के बाद जो सर्किट बचा है उसको कुछ आप इस तरीके के फॉर्म में लिखोगे, दिस इज VTH, या फिर इसे हम ओपन सर्क्यूट वोल्टेज भी लिख सकते हैं VOC, एंड दिस वन इज RTH, एंड दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल इज बी। यही वो दोनों टर्मिनल हैं जो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है। उसके बाद आप VTH और RTH को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले RTH को, यानी कि इन दोनों टर्मिनल, टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस आप RTH फाइंड आउट कर रहे हो, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसके लिए आप क्या करोगे कि जो वोल्टेज सोर्स गिवन है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसे आप शॉर्ट सर्क्यूट करते हो। तो देखिए, मैंने इसे शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया। फिर आप यहां से देख पाओगे कि 8 ओम रेसिस्टर और ये 6 ओम का रेसिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट विल बी 8 × 6 डिवाइडेड बाय 8+6, यानी कि 14। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.43 ओम, ओके। और ये 3.43 ओम इस 10 ओम वाले रेसिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 13.43 ओम। 13.43 ओम इस 8 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, सो हम आर इक्विवेलेंट जो लिखेंगे 13.43 मल्टीप्लाई विथ 8 डिवाइडेड बाय 13.43 प्लस 8, ओके। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.01 ओम। यही है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या फिर इसी को हम कहेंगे थेवेनिन रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, ओके। फाइंड आउट करते हैं VTH। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो कि जो टर्मिनल है वो ओपन सर्क्यूट होगा, यानी कि उस टर्मिनल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, दैट इज 0 एम्पियर करंट। और जब यहाँ पे 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इट मींस यदि हम इस नोड पर की बात करें तो आपको सिर्फ 3 करंट दिखाई देंगे, एक ये करंट होगा, एक इस ब्रांच का करंट होगा और एक इस ब्रांच का करंट होगा, ओके। इस नोड पर का वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे KCL। तो मान लीजिए कि इस नोड पर का वोल्टेज है V और इस नोड पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो कैसा होगा इक्वेशन, इक्वेशन विल बी V-10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस V/6 प्लस V/18 विल बी इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको V की वैल्यू मिलेगी 3.6 वोल्ट, ओके। यानी कि इस नोड पर का वोल्टेज है 3.6 वोल्ट। यदि हमें अब इस नोड पर का वोल्टेज मिल जाए तब हम VAB यानी कि थेवेनिन्स वोल्टेज हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इस नोड पर का वोल्टेज माइनस इस नोड पर का वोल्टेज यही तो होगा हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज, ओके। तो यहां का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है इस नोड पर का वोल्टेज 3.6 वोल्ट है, तो इसमें जो फ्लो करेगा करंट वो कितना होगा, 3.6 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि 0.2 एम्पियर। और ये 0.2 एम्पियर जब इस 10 ओम के रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इस नोड पर का
वोल्टेज है 2 वोल्ट। जब आपको दोनों नोड का वोल्टेज पता हो, एक का 3.6 वोल्ट दूसरे का 2 वोल्ट, तो यहां से आप कह सकते हो कि थेवेनिन्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू 3.6 माइनस 2, इट मींस 1.6 वोल्ट। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH। नाउ ये सारा काम हमने लोड को रिमूव करने के बाद किया, तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम अब टर्मिनल ए एंड बी के बीच में लोड को कनेक्ट करें, जो लोड पहले गिवन था, दिस इज RL। अब कहता है क्वेश्चन में इस लोड में कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ओके, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो कंडीशन है वो है कि लोड की वैल्यू भी सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि RL विल बी इक्वल टू 5.01 ओम। ओके, और इसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, Pmax विल बी इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL या फिर 4 टाइम्स ऑफ RTH। ओके, यहां पर आप VTH की जगह पे पुट करोगे 1.6 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू RTH यानी कि 5.01। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1277 वॉट। ये होगा आंसर। दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी कि ऑप्शन सी को यदि आप देखोगे तो ये है 0.13, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ये कहता है कि व्हाई आर सेम टाइप्स ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पर सेम टाइप्स ऑफ सेल्स कहने का मतलब है कि उसका वोल्टेज सेम होगा। ओके, तो यहां देखिए मैंने सेम टाइप के 3 सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। दिस इज सेल नंबर 1 जिसका वोल्टेज है V और रेसिस्टेंस है R। दिस इज सेल नंबर 2, इसका भी वोल्टेज V होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा। दिस इज सेल नंबर 3, इसका भी वोल्टेज होगा V और इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा। ये सेम इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, यहां पर देखिए, यदि एक सेल से जो आउटपुट करंट निकलेगा, सपोज दिस इज I, तो सेकेंड से भी I और फिर थर्ड सेल से भी हमें मिलेगा I करंट। जब आप इन तीनों सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किए हो तो इसकी वजह से जो आउटपुट करंट मिलने वाला है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ I। ओके, यानी कि सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने से हमें करंट की वैल्यू ज्यादा मिल गई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टू इंक्रीज द करंट रेटिंग, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। ये कहता है कि देयर आर n रेसिस्टेंसेस, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग वैल्यू R विथ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ X। ओके, ये था इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1। और नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट विल बी द टोटल रेसिस्टेंस When these n resistances are connected in series। यहाँ पर देखिए, मैंने n resistances को parallel में connect कर दिया, हर एक resistance की value है R, तो ऐसे केस में R equivalent जो होगा that will be R divided by n। लेकिन question में कहा है कि इसका equivalent is equal to X। ओके, तो R upon N is equal to X। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो ये कहता है कि इन्हीं रेसिस्टेंसेस को हम अब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए हमने इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देयर आर n रेसिस्टेंसेस, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन विल बी इक्वल टू R इनटू n। ओके, तो अब आइए इस इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 से आप ये कह सकते हो कि R is equal to N into X, और इस R की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, दिस इज N into X मल्टीप्लीकेशन विथ N, यानी कि आप कहोगे कि N स्क्वायर into X। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन हेनरी बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। यहाँ पर गिवन है टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, इन दोनों के बीच में आपको
इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, यहां से देखिए 1 हेनरी ईच, 3 इंडक्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 हेनरी, एंड यह 2 इंडक्टेंस जो कि 1 हेनरी ईच है, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 हेनरी। ओके, नाउ 3 हेनरी एंड 2 हेनरी इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3+2 यानी कि 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, दिस इज 1.2 हेनरी। ओके, अब ये 1.2 हेनरी सीरीज में कनेक्टेड है विद दिस 1 हेनरी इंडक्टेंस एंड दिस 1 हेनरी इंडक्टेंस। ओके, तो टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 3.2 हेनरी। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। यदि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नंबर ऑफ ब्रांचेस n हो, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सम ऑफ पावर इन ऑल द ब्रांचेस विल बी इक्वल टू 0। यानी कि आप कह सकते हो कि टोटल पावर डिलीवर्ड इन दिस नेटवर्क विल बी इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब इन दिस नेटवर्क। ओके, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन वी के इंटू आई के, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर वी के इंटू आई के मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल पी। ओके, तो ये कौन सा थ्योरम कहता है, ये है टेलिजेंस थ्योरम, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज वी अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इन द गिवन सर्क्यूट। यहाँ पर टर्मिनल ए गिवन है एंड दिस इज टर्मिनल बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप KCL यूज कर लो इस नोड पर, तो उससे क्या होगा, इस नोड पर का आपको वोल्टेज सपोज मिल जाएगा VA, यहाँ का वोल्टेज मिल गया, फिर आप वोल्टेज डिवीजन रूल से आप ये वाला वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ का वोल्टेज मिलने के बाद आप इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद इस 10 ओम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल मिल जाएगा। ये तो था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका और बहुत ही सिंपल तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो करंट सोर्स अवेलेबल है 6 एम्पियर का, इसका मतलब कि इस ब्रांच में कितना भी वैल्यू का रेसिस्टेंस हो, इसके अक्रॉस 6 एम्पियर ही फ्लो करेगा। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि यहाँ तक जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 6 एम्पियर, यहाँ के बाद आप करंट डिविजन रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, दिस इज 4 ओम रेसिस्टर एंड इन दिस ब्रांच वी हैव 16 ओम रेसिस्टर। ओके, तो इस सर्क्यूट को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 एम्पियर का करंट इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर एक ब्रांच है जिसमें रेसिस्टेंस है 4 ओम और एक दूसरा ब्रांच है पैरेलल में जिसका रेसिस्टेंस है 16 ओम। तो आप बताइए कि 16 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस करंट I की वैल्यू हो जाएगी 4 / 4+16 यानी कि 20 मल्टीप्लीकेशन विद 6, दैट मीन्स 6/5 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ओके, यहां से हमें ये पता चल गया कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू होगी 1.2 एम्पियर, और जब 1.2 एम्पियर इस ब्रांच में फ्लो करेगा तो इस 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VAB विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पियर इंटू 10 ओम, यानी कि आपको मिलेगा 12 वोल्ट। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड। यहाँ पर एक थेवेनिन्स मॉडल है जिसमें वोल्टेज गिवन है एंड दिस इज द सोर्स इम्पीडेंस
जेड एस, और इसी की वैल्यू इसने पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी जबकि इस लोड में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। लोड की वैल्यू क्या है? 5+j2 ओम। तो जैसा कि हमें पता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन इज ZL इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। ओके, तो इस क्वेश्चन में ZL की वैल्यू गिवन है 5+j2 ओम, तो ZS कितना हो जाएगा? 5-j2 ओम। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड थ्रू 20 ओम रेसिस्टर ऑफ द गिवन सर्क्यूट बिलो। यानी कि ये जो 20 ओम का रेसिस्टर लगा है इसके थ्रू कितना पावर डिसिपेट होगा। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। यदि हम इस रेसिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि हमारा मकसद है इस आई की वैल्यू को फाइंड करना। ओके, इसके लिए यहाँ देखिए, यह जो वोल्टेज सोर्स है इसमें दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, कुछ इस तरीके से ये 10 वोल्ट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस नोड का जो वोल्टेज होगा दैट इज -10 वोल्ट। ओके, और इस नोड पर का जो वोल्टेज होगा यह है 20 वोल्ट, क्योंकि इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसलिए इस नोड पर का वोल्टेज +20 वोल्ट। तो अब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? आई इज इक्वल टू 20 - -10/20 ओम, यानी कि 30/20 1.5 एम्पीयर। ओके, तो इसमें पावर लॉस कितना होगा? पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, 1.5 के स्क्वायर इंटू 20, 45 वॉट। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ये कहता है कि डिटरमिन द पावर डिसिपेटेड बाय द 25 ओम रेसिस्टर इन द गिवन सर्क्यूट। यानी कि इस रेसिस्टर में यहाँ जो 25 ओम का एक रेसिस्टर लगा हुआ है इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। शायद लेक्चर 1 या 2 में मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करने के लिए बता चुका हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिटेल में समझाया हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर को मार्क करूंगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पावर डिसिपेटेड विल बी 30.86 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। ये कहता है कि डिटरमिन द टोटल करंट आई सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इन द गिवन सर्क्यूट। यानी कि ये जो 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है, इट मींस आई की वैल्यू कितनी है। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा कि जो ये डेल्टा में कनेक्टेड 3 रेसिस्टेंस दिख रहे हैं उसको आप सिंपली स्टार में कन्वर्ट कर लो, और इस डेल्टा को भी आप स्टार में कन्वर्ट कर लो, फिर सर्किट बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सॉल्व करने के बाद करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका है कि आप इसे बैलेंस ब्रिज की हेल्प से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। पहला तरीका, जो इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक फेज का जो रेसिस्टेंस होगा ये होगा 1 ओम, दिस इज ऑल्सो 1 ओम एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 ओम। सिमिलरली इस फेज का रेसिस्टेंस 1 ओम, हियर 1 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 1 ओम। यानी कि आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो पहला स्टार है ये ऊपर वाले डेल्टा का, और यह जो दूसरा स्टार है वो नीचे वाले डेल्टा का। ओके, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज 1 ओम, दिस इज ऑल्सो 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम। अब इस 15 वोल्ट के सोर्स से 3 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो आप बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। सो आई विल बी इक्वल टू 15/3, यानी कि 5 एम्पीयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं अब दूसरा तरीका जो कि है बैलेंस ब्रिज। इसके लिए आप यहाँ देखिए कि ये दोनों 3 ओम का रेसिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.5 ओम। तो देखिए इस सर्किट को हम किस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये रहा आपका मॉडिफाइड सर्किट। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ केस ऑफ बैलेंस ब्रिज। तो ब्रांच ए बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा,
यानी कि दिस इज 0 एम्पियर, ओके। और जब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इट मीन्स दिस इज ट्रीटेड एज ओपन सर्किट, तो हम इस 1.5 ओम के रेसिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इस 1.5 ओम के रेसिस्टर को रिमूव कर दिया। फाइनली जो हमारे पास सर्किट बना, इसमें 3 ओम और ये 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, और ये 3 ओम और ये 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी हो जाएगा 6 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 3 ओम। तो आप बताइए इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी। आई विल बी इक्वल टू 15/3, यानी कि 5 एम्पियर, ओके। हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखा है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है डिटरमिन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। जो 60 वोल्ट का सोर्स गिवन है, इस सोर्स से इस लोड में कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है। तो एज वी नो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जेड एल शुड बी इक्वल टू जेड एस का कॉन्जुगेट। यहाँ पर जेड एस जो गिवन है, दैट इज 20 ओम प्लस जे 30 ओम, यानी कि 20 प्लस जे 30 का कॉन्जुगेट करेंगे तो दिस विल बिकम जेड एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। यानी कि जेड एल की जगह पे हम लिख सकते हैं 20 माइनस जे 30। तो पूछा है कि इस लोड में कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करने पे जो इक्वेशन बनेगा, दैट इज 60 इज इक्वल टू 20 प्लस जे 30 प्लस 20 माइनस जे 30 मल्टीप्लीकेशन विथ करंट आई। सपोज इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। तो यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो जे 30 एंड माइनस जे 30 विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ आई। और आप यहाँ से आई की वैल्यू लिखोगे 60/40, यानी कि 1.5 एम्पियर। इसका मतलब इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 1.5 एम्पियर। जब इस लोड में 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो यह लोड कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर सिर्फ रेजिस्टर एब्जॉर्ब करता है, नॉट इंडक्टर नॉट कैपेसिटर। और यहाँ पर जो माइनस जे 30 ओम का रिएक्टेंस है, दिस इंडिकेट दैट इट इज अ कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ ये 20 ओम का रेजिस्टर ही पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, यानी कि PL will be equal to I square into RL, load का resistance, this will be equal to 1.5 का square into load का जो resistance है, that is 20 ohm. जब आप इसे calculate करोगे तो आपको answer मिलेगा 45 watt. Okay, option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। डिटरमिन द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट में आप नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट को फाइंड आउट करिए, जबकि आपको गिवन है लोड रेजिस्टेंस इज 8 ओम। तो जैसा कि हमें पता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, या नॉर्टन करंट, या फिर थेवेनिन्स करंट, या फिर थेवेनिन्स वोल्टेज, या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, वैसे केस में सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है कि हम लोड को रिमूव करते हैं। लोड को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास दो टर्मिनल बनेगा, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन करंट आई एन एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। यहाँ से आपको प्रोसीजर पता चल गया, और इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, यानी कि आर एन, या फिर आप इसे कह सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है 28 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। तो इसे हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। इसे शॉर्ट सर्किट करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दिस 8 ओम रेजिस्टर एंड दिस 8 ओम रेजिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय 4 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस करते हैं बाय 4 ओम रेसिस्टर। तो यहाँ से आप देखिए 4 ओम और 8 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट, या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4, इट मींस 12 ओम। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे
नॉर्टन करंट। लेकिन नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने से पहले आप देख लें इस ऑप्शंस को, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए, जिसमें कि नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है। तो हम बिना नॉर्टन करंट को फाइंड आउट किए हुए ही इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी यदि आपको ये जानना है कि नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो लोड कनेक्टेड है आरएल, इसे हम रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने के बाद दो टर्मिनल बनेगा, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल इज बी। तो इस सर्किट को हमने रीड्रॉ किया है। अब हमें नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस टर्मिनल ए बी। नॉर्टन करंट इट मींस दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हमने इसे शॉर्ट किया तो यहाँ से आप देख पाओगे कि दिस 8 ओम और दिस 8 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट विल बी 4 ओम, और यह 4 ओम इस 8 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सो आर इक्विवेलेंट विल बी 12 ओम। तो आप यहां से कह सकते हैं कि यह 28 वोल्ट का सोर्स जो करंट डिलीवर करेगा आई, उसकी वैल्यू होगी 28/12 एम्पीयर, यानी कि 28/12 दिस मच ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 8 ओम रेसिस्टर, और इस नोड के बाद ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू करंट डिविजन रूल। और चूंकि दोनों ब्रांच का रेसिस्टेंस सेम है, बोथ आर 8 ओम ईच, तो जो करंट का डिवीजन होगा दोनों ब्रांच में वो इक्वल होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ISC विल बी इक्वल टू 28/12/2, यानी कि जो आंसर आएगा 1.167 एम्पीयर। तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि नॉर्टन करंट की वैल्यू गिवन है 1.167 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफर होता है, दैट विल बी इक्वल टू थेवेनिन्स वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। यहां पर आप RTH की जगह पे RL भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए RTH और RL बोथ आर सेम। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, P max इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, ये कहता है कि डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्क्यूट गिवन बिलो। इस सर्क्यूट में एक 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है और इसके साथ दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बल्ब ए और बल्ब बी, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बल्ब ए की जो रेटिंग गिवन है दैट इज 40 वॉट एंड 40 वोल्ट। बल्ब बी की जो रेटिंग गिवन है दैट इज 20 वॉट एंड 40 वोल्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग। इट मींस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, यहाँ से आपको बल्ब ए का रेजिस्टेंस मिलेगा 40 ओम। सिमिलरली जब आप बल्ब बी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, यानी कि जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा बल्ब बी का, दैट विल बी 80 ओम। अब यहाँ देखिए, इस सर्क्यूट के अकॉर्डिंग बल्ब ए और बल्ब बी बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो हम बल्ब ए का रेजिस्टेंस जो कि 40 ओम है और बल्ब बी का रेजिस्टेंस जो कि 80 ओम है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और साथ ही 40 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया। तो ये कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्क्यूट बताइए। तो टोटल रेजिस्टेंस आप अगर यहाँ से देखोगे आर इक्विवेलेंट, तो आपको मिलेगा 40 मल्टीप्लीकेशन विथ 80 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 80। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 26.67 ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 26.66। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, डिटरमिन थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है आरटीएच एंड वीटीएच। सबसे पहले
RTH है एंड देन VTH। तो आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो RTH के लिए आपको वैल्यू मिलेगा 12 ओम, 20 ओम, 10 ओम एंड ऑप्शन डी में भी है 10 ओम, ओके। लेकिन जो VTH के लिए आपको वैल्यू मिलेगा, ऑप्शन ए में है 40 वोल्ट, ऑप्शन बी में है 80 वोल्ट, ऑप्शन सी में है 30 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 50 वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम सिर्फ VTH फाइंड आउट करें तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं विदाउट फाइंडिंग RTH, ओके। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शंस में RTH की वैल्यू सेम है, यदि हम पहले RTH फाइंड आउट करें तो हो सकता है हमें VTH भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हम VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH इज ओपन सर्क्यूट वोल्टेज अक्रॉस द गिवन टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल ए और बी गिवन है जिसके अक्रॉस आपको थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यानी कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 एम्पीयर होने वाली है क्योंकि दिस टर्मिनल इज ओपन सर्क्यूट। तो यहाँ से आप देखिए कि जब ये टर्मिनल ओपन सर्क्यूट हो चुका है और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इस 5 ओम के रेसिस्टर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और जब यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज टर्मिनल ए बी के अक्रॉस होगा, यानी कि हम मान लेते हैं VTH, तो हम ये कह सकते हैं कि जो VTH वोल्टेज टर्मिनल ए बी के अक्रॉस है वही VTH वोल्टेज हमें इस नोड पर मिलेगा और वही VTH वोल्टेज हमें इस नोड पर भी मिलेगा, ओके। तो हम यहाँ पर VTH लिख सकते हैं। अब हम यूज करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL यूज करने से हमें VTH की वैल्यू मिल जाएगी। KCL हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इस नोड पर, ओके। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि VTH -20 डिवाइडेड बाय 10 -4 प्लस VTH डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 0, ओके। यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको VTH की वैल्यू मिलने वाली है 30 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ऑप्शन सी को मार्क करोगे। यदि आप थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को आप करोगे शॉर्ट सर्क्यूट, इस करंट सोर्स को आप करोगे ओपन सर्क्यूट। ऐसा करने के बाद आपको टर्मिनल ए बी पे जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिखाई देगा आप उसे मार्क करोगे और वो आंसर होगा 10 ओम, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू फॉर इक्वल पीक वैल्यूज, ओके। यानी कि जो हमारे पास चार वेव गिवन है इन द ऑप्शंस, उनमें से आपको ये बताना है कि किसका आरएमएस वैल्यू सबसे हाई है जबकि चारों वेव्स का पीक वैल्यू सेम गिवन है, ओके। सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चारों वेव एक वोल्टेज वेव है, आप इसे करंट सिग्नल भी मान सकते, जो भी आप अज्यूम करना चाहो, या फिर कोई एक सिंपल सिग्नल भी आप इसे मान सकते हो। मैंने इसे माना कि दिस इज अ वोल्टेज सिग्नल, और इसके साथ ही हम मानते हैं कि चारों वेव का जो पीक वैल्यू है दैट इज VM, ओके। तो देखिए वन बाय वन, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि साइन वेव, दिस इज साइन वेव। इन केस ऑफ साइन वेव आरएमएस विल बी इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय √2, यानी कि VM डिवाइडेड बाय √2। इसे आप अगर जो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 0.707 टाइम्स ऑफ VM, ओके। नाउ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। ऑप्शन बी में जो गिवन है सॉटूथ, तो ये रहा आपका सॉटूथ वेव, और ऑप्शन डी में जो गिवन है ट्रायंगुलर, तो ये रहा आपका ट्रायंगुलर वेव, ओके। दोनों के केस में जो पीक वैल्यू है दैट इज VM, यदि सिग्नल सॉटूथ हो या फिर सिग्नल ट्रायंगुलर वेव के हो, दोनों के केस में जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट विल बी VM डिवाइडेड बाय √3, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो कि 0.577 टाइम्स ऑफ VM। नाउ जो ऑप्शन बच गया है ऑप्शन सी, इसमें कहता है कि स्क्वायर वेव, स्क्वायर करने का मतलब है कि इसका हाफ टाइम पीरियड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ होगा और हाफ टाइम पीरियड नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ होगा। इसलिए यदि मैं इस पॉइंट पे पाई लिखूं तो दिस विल बिकम 2π, ओके। और इसका जो पीक मैग्नीट्यूड है दैट इज VM, इसके केस में जो आरएमएस वैल्यू होगी दैट विल बिकम VM,
ओके तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, शॉटूथ वेव और स्क्वायर वेव, इन चारों वेव में सबसे हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू स्क्वायर वेव की है, यानी कि आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। तो यहां से देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। ये कहता है कि इफ 12.25 इनटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो पूछता है कि हाउ मच करंट इन नैनो एम्पियर विल फ्लो थ्रू इट। यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें से 12.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं 1 सेकेंड में, तो पूछता है कि इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी वॉट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, डेफिनेशन ऑफ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और ये टाइम होना चाहिए इन सेकेंड। ओके तो चार्ज की हम बात करेंगे कि यहाँ पर 12.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एज वी नो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है दैट विल इक्वल टू 12.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 मल्टीप्लीकेशन विथ 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19। इतना हुआ टोटल चार्ज, लेकिन हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए क्या करना होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे टाइम गिवन है 1 सेकेंड। जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे जो आंसर मिलेगा 19.62 इंटू 10 टू दी पावर -9 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 19.62 नैनो एम्पियर का करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। ये कहता है कि अ हॉट वायर सप्लाइज 100 किलो जूल इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। यहाँ पर जो एनर्जी गिवन है दैट इज 100 किलो जूल, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल। इस जूल को हम वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का यूनिट वॉट सेकेंड भी होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। यहाँ पर वॉट सेकेंड कहने का मतलब है कि पावर इन वॉट मल्टीप्लीकेशन विद टाइम इन सेकेंड। तो जो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, यहाँ से हम पावर पी को लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसमें कि टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ से आप एनर्जी की जगह पे लिखोगे 100 किलो जूल, यानी कि 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। टाइम गिवन है 10 मिनट, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 600 सेकेंड्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 166.667 वॉट। यहाँ से आपको पावर की वैल्यू मिल गई और क्वेश्चन में करंट भी गिवन है 2 एम्पियर, तो आप यहां से वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। एज वी नो पी इज इक्वल टू वी आई, सो वी विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आई, और पावर की वैल्यू गिवन है 166.667 वॉट, और करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा वी विल बी इक्वल टू 83.33 वोल्ट। ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस एंड द लोड करंट रेस्पेक्टिवली अक्रॉस द लोड रेसिस्टर। यहां पर लोड रेसिस्टर ये है, दिस इज 5 ओम रेसिस्टर। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं,
तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस लोड को हम रिमूव करते हैं। लोड को रिमूव करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी। सो हम फाइंड आउट करेंगे VTH एंड RTH अक्रॉस दिस टर्मिनल। सबसे पहले यदि हम RTH को फाइंड आउट करें तो इसके लिए इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे, और इसे जैसे ही हम शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे तो 20 ओम और ये 30 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 20 × 30 / 20 + 30 यानी कि 50 ओम। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 ओम। अब ये 12 ओम इस 10 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो RTH की वैल्यू विल बी 10 + 12 यानी कि आपको मिलेगा 22 ओम। ऑप्शन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में अवेलेबल है 22 ओम, इसलिए हमें VTH तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हम VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे। VTH को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को 0 एम्पीयर शो करना होगा, क्योंकि टर्मिनल ए बी इज ओपन सर्क्यूटेड, और जब टर्मिनल ए बी ओपन सर्क्यूट है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इस 10 ओम के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल ए बी के अक्रॉस का जो वोल्टेज है VTH, वही वोल्टेज इस नोड का होगा। यहाँ पे भी हम VTH लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करें तो आपको VTH की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज VTH विल बी इक्वल टू 30 / 30 × 20 × 100 वोल्ट। यहाँ से हमें मिलेगा VTH इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट हमें मिल गया VTH। RTH की वैल्यू हमें 22 ओम मिल गया था, तो यहाँ से आप ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आप कैलकुलेट करो, यानी कि लोड रेसिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, VTH और RTH की हेल्प से आप एक थेवेनिन्स मॉडल बनाओगे। दिस इज RTH एंड दिस इज VTH, और ये थेवेनिन्स मॉडल बन जाने के बाद ये रहेगा आपका टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, और इसी के अक्रॉस आप लोड रेसिस्टेंस को कनेक्ट करोगे RL। तो यहाँ से आप देख लीजिए VTH की वैल्यू है 60 वोल्ट, RTH की वैल्यू है 22 ओम, और लोड रेसिस्टेंस जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5 ओम। तो करंट विल बी 60 / 22 + 5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.22 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द लोड इन द गिवन सर्क्यूट, और लोड आपका यहाँ पर ये गिवन है, दिस इज द लोड। यहाँ देखिए इस सर्किट को हम कुछ इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हैं कि लोड जो R1 यहाँ गिवन था इसे हम साइड में कनेक्ट कर दिए, दिस इज द लोड R1। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप इस लोड को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे VTH एंड RTH। तो इस लोड को रिमूव करने के बाद यदि आप इस टर्मिनल AB से देखेंगे इस सर्क्यूट को, तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि 20 वोल्ट शॉर्ट सर्क्यूट हो चुका है और ये 10 एम्पीयर का करंट सोर्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि RTH की जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम 8 × 1 / 8 + 1। It means RTH will be equal to 8/9 ohm. Now next step जो आपका होगा वो है कि VTH find out करना है across terminal AB. जब इस terminal AB पर का voltage VTH हो तो हम कह सकते हैं कि इस node पर का भी voltage VTH होगा, या फिर इस node पर भी वोल्टेज VTH होगा। तो देखिए VTH को फाइंड आउट करने के लिए हम इस नोड पर KCL अप्लाई करते हैं, बायोजिंग KCL। हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा VTH -20 / 8 +
VTH by 1 is equal to 10. इसे आप सॉल्व करोगे तो VTH मिलेगा 11.11 वोल्ट. ओके, जब आपको VTH पता है, आपको RTH पता है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH. इट मींस 11.11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 8/9. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 34.72 वॉट. ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. इसमें कहता है कि द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, सो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस. तो यहाँ देखिए, दिस इज अ कॉपर वायर जिसका कि लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया इज A. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू A इंटू L. और यहाँ पर हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि इस कॉपर वायर का जो रेसिस्टेंस है दैट इज R1. ओके, नाउ कि इस कॉपर वायर का जो लेंथ है वो इंक्रीज हुआ है बाय 2%. तो आप यहाँ पे बताइए कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ भी चेंजेस यदि इसके लेंथ के साथ हम करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ भी चेंजेस होंगे, क्योंकि कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से देखिए, लेंथ इज इंक्रीज बाय 2%. इसका कहने का मतलब है कि जो अब L2 होगा दैट विल बिकम 1.02 टाइम्स ऑफ L1. ओके, चूंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए इस केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यू लेंथ जो कि L2 है. इसकी जगह पे आप लिख सकते हो A इंटू L डिवाइडेड बाय 1.02 L1. यहाँ से आप L L को कैंसिल करोगे तो फिर यहाँ से लिख सकते हो कि A2 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1.02. यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो चुका है. तो हम यहाँ से अब फाइंड आउट करेंगे न्यू रेसिस्टेंस यानी कि R2 की वैल्यू. R2 विल बी इक्वल टू रो L बाय A. रो इज द रेसिस्टिविटी. लेंथ के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से रेसिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. नाउ व्हाट अबाउट द लेंथ. लेंथ इज L2 और क्रॉस सेक्शन एरिया इज A2. तो यहाँ से आप देखिए, रो L2 के जगह पे आप लिख सकते हो 1.02 टाइम्स ऑफ L और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 की जगह पे आप लिख सकते हो A डिवाइडेड बाय 1.02. यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.02 × 1.02 × रो L अपॉन A. ये जो रो L अपॉन A है इसकी जगह पे आप R1 लिख सकते हो जो कि प्रीवियस केस में रेसिस्टेंस ऑफ द वायर था. तो यहाँ से आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा R2 इज इक्वल टू 1.0404 टाइम्स ऑफ R1. ओके, यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो होगा 0.0404 टाइम्स ऑफ R1. तो अगर आपसे परसेंटेज में पूछे कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय R1. इंक्रीमेंट क्या है, 0.0404 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 100. तो यहाँ से आप कहोगे कि दिस विल बिकम 4.04%. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए. यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ये मुझे बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.